Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to yet another RK video. आज की वीडियो में आपका स्वागत है. I thought of vlogging this day randomly. I really don't know why. अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं. मैं और केसर कल चंडीगढ़ आ गए थे. बहुत सारा काम अभी करना है और थोड़ा बहुत काम हम अभी कर चुके हैं. मुझे काफी सारी एडिटिंग करनी है, दो वीडियोस की काफी सारी. आज का व्लॉग भी बनाना है, साथ में घर को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करना है. वी आर लिविंग इन 90s होम यू गाइज. दिस इज बाय द वे माय OOTD एंड प्लीज डोंट जज मी बाय द मिरर बिकॉज दिस इज नॉट माय रूम. ये दूसरे वाला रूम है. अभी शार लेके आई हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं एंड मेरे लिप्स काफी चैप्ड हुए थे. सो I put on the बोरोलिन, काफ़ी हेल्पफुल है. अगर आप लोगों के भी लिप्स काफ़ी ज़्यादा चैप्ड हैं, फट गए हैं, क्रैक्ड हैं गर्मियों से और जलन जैसा महसूस हो रहा है, तो आप लोग भी बोरोलिन का यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, एट द सेम टाइम्स इट रियली वर्क्स बेटर देन एनी एक्सपेंसिव क्रीम. सो गो अहेड एंड अप्लाई दैट ऑन योर लिप्स. आई एम तो सॉर्टेड. कल से मैंने तीसरी बार अब इसको लगाया है एंड माई लिप्स आर परफॉर्मिंग रियली बेटर देन दे वर परफॉर्मिंग बिफोर. पहले बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी एंड आई वॉज चूइंग माई लिप्स, इस कंडीशन में आ गए थे, बट नाउ टच वुड आई एम डूइंग बेटर. सो अच्छा, एक चीज इस व्लॉग में मैं इंक्लूड करना चाहूंगी. शो मी योर नेल्स राइट नाउ. तो इसके नाखून जो है वो फुल टिप हैं. ओके, ये मेरे ओरिजिनल नेल्स हैं, टच वुड, काफ़ी टाइम बाद ऐसे लग रहे हैं अच्छे. तो इसके जो नेल्स हैं वो गाइस फुल टिप हैं. ओके, इसमें कोई भी जेल का यूज़ नहीं है एंड ये 500 रुपए के हुए थे. आई एम लिटरली नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड शी इज़ ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड और हैप्पी विद द सर्विस. हमने फेस 7 के 2 नेल्स स्टूडियो से इसके नेल्स करवाए थे. दोज गाइज वर रियली प्रोमिसिंग, अरे फेक नेल्स नहीं लगेंगे, फुल टिप ओरिजिनल लगेंगे, दिस दैट पैथेटिक थिंग्स दिव सेट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. बट मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं इसके नेल्स, बहुत घटिया लग रहे हैं और ये नाड़ा भी लटक रहा है. और ये नेल आर्ट में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है. एज अ डिजाइनर हु इज इलस्ट्रेटिंग सो मेनी थिंग्स on paper and we literally give small details on the faces of illustration using small brushes. I think ye isse badhiya nail art main kar sakti hu and next time I'm planning ki agar main kabhi nail art karu for the sake of videos or something tab main aapko nail art proper karke bataungi. dusra main nail art frequent basis pe isliye nahi karti hu, mere nails bahut zyada sensitive hain, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मेरी स्किन है. मेरे जो डर्मेट हैं, मेरे डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे सख्त मना किया है कि अपने बालों पे, अपनी स्किन पे या इन जनरल अपनी बॉडी पे कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है जो कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट दे. मुझे स्ट्रिक्टली आई एम लिटरली लाइक प्रोहिबिटेड बाई यूजिंग सो मेनी प्रोडक्ट्स. मैं अपने बालों में कोई केराटिन वेराटिन कुछ नहीं करवा सकती हूँ. एक स्पा करवाया था और आगे से तो मैं कसम खाती हूँ मैं वो भी नहीं करवाऊंगी. सो माई डॉक्टर इज़ रियली बींग वेरी स्ट्रिक्ट विद मी बिकॉज आई एम अंडरगोइंग सम इशूज. ऑल्सो मुझे कोई भी चीज़ ना बहुत जल्दी गंदी तरीके से रिएक्ट कर देती है. सो माई डॉक्टर इज़ लाइक राशि, डोंट यूज एनी थिंग अनटिल एंड अनलेस इट इज़ रियली वेरी नेसेसरी फॉर यू टू यूज. सो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने इस बार नेल्स नहीं करवाए हैं. पहले मैं सोच रही थी कि मैं करा लूँ बट देन हमारी जो फेलो रूममेट है जिसका नाम है अवंतिका, उसने मुझे बोला राशि जल्दी मत कर, पहले केसर के नेल्स होने दे. अगर तुझे उसके नेल्स अच्छे लगे होने के बाद देन ओनली गो अहेड विद दैट, अदरवाइज नॉट. और जब मैंने इसके नेल्स देखे हुए वे, ओहो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या कर दिया, मेरे को नहीं करवाना. गाइज आई एम बैक ऑन ड्यूटी और मैं आटा बना रही हूँ सो दैट खाना जल्दी टाइम से बन जाए क्योंकि अभी बहुत सारे काम है जो हमें करने हैं. नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं. I'm on my period, so I cannot fast. और I think मैं last के व्रत रखूँ मे बी, अगर मैं ठीक हो जाती हूँ तो. मंदिर में साफ नहीं कर सकती हूँ, मंदिर केसर साफ करेगी, लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हम साथ मिलकर साफ करेंगे और उस घर को और सुंदर बनाएंगे. हम काफ़ी दिनों की छुट्टियों के बाद यहाँ पे वापस आए हैं और इस बीच मेरी तबीयत काफ़ी अप एंड डाउन रही है, तो अब हम अच्छे से घर को साफ सुथरा रखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे बिकॉज अब हमारे सबमिशंस भी होंगे, हमारे एग्जाम भी आने वाले हैं, तो हमें ना इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम रोज रोज ही घर को साफ करें, डीप क्लींस करें. तो आज मुझे शॉपिंग पे भी जाना है. शॉपिंग में मुझे कुछ एक चीजें खरीदनी है साफ सफाई के बेसिस पे ही घर के लिए, ये काफी जरूरी है. अब
अब अगर हम घर में रहते हैं और हम साफ नहीं रखेंगे ना तो ये घर साफ नहीं रहेगा, और गंदे घर में रहने की आदत मुझे सीरियसली नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है और नेगेटिविटी काफी रहती है घर में। सो अभी मैं आटा लगा देती हूँ जो कि पतला हो गया आपसे बात करते करते। मैं मिलूंगी आपसे थोड़ी देर के बाद। गाइस केसर ने खाना बना दिया है एंड दिस इज़ आलू बीन्स की सब्जी। आजकल ये बीन्स से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, उसके साथ में है रोटी और जली फूकी सी है वैसे, पर चलो शी इज़ देयर, कुछ सुन रही है शायद, आई रियली डोंट नो। मेस एवरीवेयर। मैं खाना खा के सही करूँगी इस मेस को, बिकॉज राइट नाउ आई एम एडिटिंग। मतलब मैं काफ़ी देर से अपनी वीडियोस का जुगाड़ करने में लगी थी। देयर वॉज अ वीडियो दैट आई हैड मेड लॉन्ग बैक, लेकिन वो एडिट नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम स्टोरेज एंड टेक्निकल इश्यूज। वो मैंने शिफ्ट की किस यू नो फोल्डर में, किस जगह पे की, पेन ड्राइव में की या फिर हार्ड डिस्क में की या फिर कहाँ की, मुझे नहीं पता। और आज तक भी मुझे वो वीडियो नहीं मिली है। वो वीडियो लास्ट जुलाई सीजन की थी और मुझे कब की वो एडिट करके डाल देनी चाहिए थी, बट मुझे वो वीडियो नहीं मिली। मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है उस वीडियो का। मैं काफ़ी देर, लगभग डेढ़ दो घंटे तो मैंने उस वीडियो को ही ढूंढा है। मैंने हर चीज़ खंगाल दी, स्कैन डिस्क से लेके एसडी कार्ड, हार्ड डिस्क, मेरा पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, मेरा फोटोज़ वाला ऐप, फ़ोन का गैलरी, रिसेंटली डिलीटेड दिस दैट, इवन हर एक ट्रैश फाइल तक को मैंने अच्छे से खंगाल दिया, बट वो वीडियो मुझे नहीं मिली है। मैंने वो बनाई थी देहरादून के पल्टन मार्केट के ऊपर और वहाँ की कलेक्शन दिखाई थी और उसका एक हॉल वीडियो बनाया था। आई थिंक आई शुड रीशूट इट अगेन, क्योंकि बस वो हॉल वीडियो ही थी, उसके अलावा तो आई थिंक कुछ नहीं था। बट स्टिल इट फील्स रियली वेरी हैवी ऑन हार्ट, बिकॉज जब आप इतनी मेहनत से कुछ बनाओ और आपका वो वेस्ट हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। बट लेट इट गो, अब देखते हैं मैं कैसे अपने कॉन्टेंट को प्लान करूँगी। मुझे क्लासेस में भी जाना शुरू करना है अब से, और अभी मेरे को दवाई लेनी है। मैंने वहाँ से पिज्ज़ा मंगवाया था अभी कैप्टन सैम से, बहुत ही वाहियात घटिया पैथेटिक पिज्ज़ा, आई विल नेवर गोन ऑर्डर, और ये मुझे दवाई लेनी है। और मैंने सोचा था मैं रूम टूर बनाऊंगी, पीजी टूर बनाऊंगी, लेकिन अभी तो नहीं बनने वाला, जो भी होगा सुबह होगा, क्योंकि लगातार फ़ोन चलाने की वजह से, लैपटॉप पे काफ़ी देर सर्च करने की वजह से मेरी आइज़ में काफ़ी ज़्यादा पेन हो गया है। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, आप मेरे हालात भी देख रहे हो, मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है। एंड मैंने साफ सफाई लगभग 99% कर ली है। अब मैं आने वाली कुछ 3-4 वीडियोस को अच्छे से प्लान करूंगी बैठ के। शॉर्ट्स को मुझे प्लान करना है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड मुझे कंटेंट बनाना है। मुझे काफ़ी सारे शॉपिंग साइट्स का वीडियो बनाना है जिनसे मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया हुआ है, वो मेरे पास है, मैं ऑलरेडी उसे यूज़ कर रही हूँ। मुझे उनके ऊपर भी वीडियोज़ बनाने, उनके रिव्यूज़ देने आपको। प्रोडक्ट्स मैंने काफ़ी सारे ऑर्डर किए हुए थे एंड लेट्स सी कैसे, बस ये प्लानिंग ही नहीं सही से बन रही है, टाइम सेट नहीं हो रहा है थोड़ा सा, बाकी तो एवरीथिंग इज रियली फाइन। और अब मैं सोने जा रही हूँ, और गुड नाइट एंड टेक केयर, कल मिलेंगे, बाय। वेलकम बैक, इट्स अ न्यू डे एंड आज का पूरा दिन हमारा सोने में गया है, बिकॉज आई गॉट अप एट लाइक 9:20 के अराउंड। हम रात को लेट सोए थे, बहन जी तो अब नहाने जा रही हैं, अभी तक नहाई भी नहीं है, मैं सुबह ही नहा ली थी। एंड आई डेंट स्लेप्ट फॉर अ वाइल, क्या 2-3 घंटे आराम से, उसके बाद मैं उठी, मैंने मैगी बना के खाई। और अब टाइम है मैं आपको एक पीजी टूर देती हूँ, ठीक है? लेट्स बिगिन विद द पीजी टूर। सो वी लिव ऑन 3rd फ्लोर, तो ये सीढ़ियाँ यहाँ से आते ही यू विल ओपन द डोर एंड देन ये हमारा रूम है और ये दूसरे लोगों का रूम है। सबसे पहले तो मैं लॉक कर देती हूँ। मैंने वैसे इन्हें काफ़ी बार मना किया है, इसके पीछे कपड़े मत टांगा करो, अच्छा नहीं लगता, बट किसी को आप टोक नहीं सकते हो, राइट? सो दिस इज़ समवन एल्सेस बेड, जो एक 4th लड़की रहती है हमारे साथ में। ये अवंतिका का बेड है, जब वो आएगी तब देखेंगे, अभी तो ऑर्गेनाइज है, फिर गंदा हो जाएगा। ये वाला उन दीदी का अलमीरा है,
जो चौथी साथ में रहती है, ये अवंतिका कल मेरा है ब्लैक कलर का। और ऊपर ये जो जगह है इसको दुछत्ती बोला जाता है, इस पर हमने बहुत सारा सामान रखा हुआ है। एंड द मेन रीज़न वाई सामान वहाँ पे है, क्योंकि जो बेड है इनमें कोई बॉक्सेस की सुविधा नहीं है, दैट्स वाई सामान वहाँ पे मजबूरी है रखना। ये एक छोटू सा फ्रिज है जो कि काफ़ी भरा हुआ रहता है, और मुझे अभी इसकी सफाई करनी है आज कल में ही। देखती हूँ आज टाइम लगा तो आज ही कर दूँगी, काफ़ी ज़्यादा स्मेली हो जाता है अगर सफाई नहीं करते हैं। गेट खोल के आप आ जाते हैं हमारे रूम में। किचन हमारी बहुत छोटी है तो ये मशीन का डिब्बा हमने यहीं पे रखा हुआ है, और आज बहन जी ने हमारे गेट के पीछे भी कपड़े टांगे हुए हैं जो कि मेरा टॉवल है और कुछ सामान है। और दिस इज़ आर बेड जिस पे मैंने घर की सबसे बढ़िया वाली चादर बिछाई है। वो मेरी बॉटल है जिसे मैं पानी पी रही थी। केसर का टेडी बियर बेहोश है, तकिया सीधा कर देती हूँ। वो मेरी अलमीरा है, ये केसर की अलमीरा है। मेरी अलमीरा के सेंटर में कोई डिवीजन नहीं है, और ऊपर ऐसे ही दुछत्ती पे काफ़ी सारा सामान है, लगेज रखा हुआ है, उसके साथ में कुछ न्यूज़पेपर्स और पन्नी वगैरह या कुछ बैग्स रखे हुए हैं। उसके अलावा हमारे पोर्टफोलियो बैग्स हैं, और वो सब मेरे कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि मेरी अलमीरा में बिल्कुल भी जगह नहीं है इतने कपड़े स्टोर करने के लिए। कल वैसे तो मैंने यहाँ पे अपने पहले ना शूज़ रखे हुए थे काफ़ी सारे, लेकिन वो मैंने बेड के नीचे शिफ्ट कर दिया क्योंकि अब मैं शूट किया करूँगी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करेगी। वो हमारा मंदिर है, और यहाँ पे हमारी मशीन रखी हुई है जिसके ऊपर केसर ने भाजी का डिब्बा रखा है जिस शादी में हम गए थे वहाँ से, और वो रोज़ उठा के वहाँ से खाती रहती है कुछ ना कुछ। ये दो बैग्स हैं, ये एक मिरर है, और ये मिरर बड़ा ही एवरेजिश है बट ठीक है यार, जैसा भी है, ना होने से तो आई थिंक टू मच बेटर। और ये मेरे बाल, ये क्या बाल कट किए हैं, छोड़ो। फिर हम अपने यहाँ का गेट खोलेंगे, ये पीछे है बालकनी। दिस इज़ वॉशरूम जिसमें केसर अभी नहाने गई है। वॉशरूम बाथरूम अटैच्ड है, हमारी सारी इतनी सारी बाल्टियाँ रखी हुई हैं। ये एरिया डीप क्लिंस मांग रहा है मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि वो देखो बारिश के जो पानी नीचे है उससे निशान भी पड़ गए हैं। एनीवेज ये जो रैक है टूटा हुआ है, इसे हमने बहुत बार एडजस्ट करने की कोशिश की है। ये एरिया को भी सफाई की ज़रूरत है। ये टंकी हमारी नहीं है, किसी और की है। अब किचन में लेके चलती हूँ। ये देखो ये किचन हमारी ऐसी है, पोछा मैं साइड कर देती हूँ क्योंकि पानी गिरा हुआ था सो उसके लिए रखना पड़ा था। किचन बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, आप ऊपर में देख लो, यहाँ देख लो, बहुत सामान ना हमने बड़ा मशक्क़त से रखा हुआ है, और इन्होंने ये पूरा ख़राब कर दिया मेरा। एनीवेज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मैं इसको भी सेट करने का सोच रही हूँ। थोड़ा कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसको सही से सेट करने के लिए, क्योंकि नीचे में भी ना काफ़ी सारे डिब्बे हो चुके हैं, तो देखते हैं कैसे रखना है इसको सही करके। अब ये तो एक्सपेक्ट मत करना कि अमीरों वाले घर का लुक मिलेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट वेयर वी आर स्टेइंग राइट अवे। ओके, वैसे एक चीज़ मैंने देखी, अगर किचन बहुत छोटा हो ना तो उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, एंड सेम इज़ विद दिस वन, इसको मैनेज करने में भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये था हमारा छोटू सा पीजी, आई होप दैट यू रियली लाइक्ड इट। एंड यस, आई वांट टू आस्क यू ऑल समथिंग कि व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक्स और वीडियोज़ यू वांट टू सी ऑन माई चैनल ऑन लाइक रिलेटेड टू फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, दिस दैट, व्हाट सो एवर इट वुड बी, जस्ट ड्रॉप डाउन योर सजेशंस फॉर मी। I really love to make videos on such topics. And अभी तो मेरे दिमाग में कुछ एक टॉपिक्स हैं जिन पे I will work on. And I think it is the right time to end this vlog now. मैंने यहीं के लिए अटकाया हुआ था एक टूर के लिए, अदरवाइज ये रात ही खत्म हो जाता। And I hope you liked watching this video. If you really did, then please subscribe to my channel, like this video, share this video with your friends and family. Don't forget to comment down below. And I'll see you with the next one. Till then, bye bye. Take care.